नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। चलिए आपको फटाफट खबरों से कराते हैं अपडेट। कभी भी हो सकती है पंचायत चुनाव की घोषणा, ड्यूटी के लिए कर्मचारियों का सरकार ने मांगा डाटा। हाईकोर्ट में आज से पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई। हरियाणा पंचायत इलेक्शन 2021। हरियाणा में पंचायती चुनाव को लेकर लोगों को अब बेसब्री से इंतजार है। वहीं पंचायत चुनाव में आरक्षण संबंधी याचिका हाईकोर्ट में लगी है, जिस वजह से पंचायती चुनाव में देरी हो रही है। प्रदेश में पंचायती चुनाव की तारीख को लेकर अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विभागों में अब कार्य तेजी से होने लगे हैं। सोनीपत में विभागों के कर्मचारी अधिकारियों की सूची मांगी गई है। प्रदेश में वैक्सीनेशन ने कोरोना केसों की रफ्तार कम की। जुलाई से हर हफ्ते टीके 14.85% बढ़े, कोरोना मरीज 13.43% घटे। पेगासस पर केंद्र ने कहा, कोर्ट में हल्फनामा और बहस नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, केंद्र ये तो बताए कि पेगासस का इस्तेमाल किया या नहीं। केंद्र ने कहा, हम निष्पक्ष कमेटी बनाने को तैयार हैं। एलनाबाद उपचुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में उठा पटक। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले पवन बेनीवाल ने थामा कांग्रेस का हाथ। जेट एयरवेज 3 साल बाद अब फिर शुरू होगी। 2022 से शुरू होंगी उड़ानें। पहली उड़ान दिल्ली मुंबई मार्ग पर। मॉनसून के 3 माह 22% ज्यादा बारिश, 21 साल में चौथा सबसे अच्छा सीजन। हरियाणा में अब तक 500 mm बरसात, भादो से अभी ओरास। पंजाब के सीएम के बयान को हरियाणा के गृह मंत्री ने बताया गैर जिम्मेदाराना। कैप्टन बोले, किसान दिल्ली हरियाणा में जो करना है करे, पंजाब को ना बिगाड़े, विज बोले भड़का रहे हैं। अमेरिका के विमानों पर झूला झूल रहे हैं तालिबानी लड़ाके। चीन अफगानिस्तान में हार से बाइडेन की साख घटी, मिड टर्म चुनाव में हारने का खतरा। फौज वापसी की रणनीति पर सेना के दिग्गजों, विपक्षी रिपब्लिकन से लेकर खुद की पार्टी डेमोक्रेटिक के निशाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। शिवांगी को 800 में से 798 अंक मिले, अब तक किसी भी परीक्षार्थी को इतने अंक नहीं मिले। सबसे बड़े मैनेजमेंट टेस्ट जीमेट में भोपाल की शिवांगी का रिकॉर्ड, देश में पहली और दुनिया में दूसरी रैंक मिली। कंट्रोवर्सी, करनाल में हुए लाठीचार्ज के मामले में समझौते का श्रेय लेने की होड़। चढ़ूनी बेईमान, चुनाव लड़ना चाहता है, झिंडा हाई, गंदे लोगों का क्या कर सकते हैं चढ़ूनी। झिंडा ने कहा कि पर्दे के पीछे रहकर करनाल में किसान आंदोलन को खत्म करवाने में हमारी अहम भूमिका। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामला, 50,000 के इनामी भिवानी व महेंद्र गढ़ के आरोपी गिरफ्तार। ग्राम सचिव और पटवारी को रजिस्ट्री के लिए रोज दिया जाएगा टारगेट। जिले के 13 कॉलेज की 18,500 सीटों पर 20,000 से अधिक आवेदन आए। बीए में 83% तक रही न्यूनतम कट ऑफ, 18 तक भरी जा सकेंगी फीस। वेटेज सिस्टम में थी गड़बड़ी, रिवाइज कट ऑफ गिरी, अब बीए ऑनर्स में कट ऑफ हुआ 92.4%। बीएससी ऑनर्स में 90% रही मेरिट, रविवार को पोर्टल से हटा ली थी पहली जारी की गई मेरिट लिस्ट। मेगा वैक्सीनेशन के पहले दिन 25,000 का टारगेट था, ज़्यादा पहुँचे लोग। 26,958 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, 19,327 को पहले तो 7,631 को लगी दूसरी डोज। अधूरे प्रोजेक्ट से जलभराव झेल रहा शहर, 5 साल से अटका है ड्रेन का काम। सोमवार को फिर बारिश, खेतों में 4,000 एकड़ फसल बर्बादी की कगार पर। शहर के बीच ड्रेन 6 में भी लगातार पानी निकासी के लिए तोड़ दिए हैं डाइवर्जन। खरखुदा में सीवरेज सिस्टम फेल, 200 घरों में पानी घुसा। पीएचसी की महिला चिकित्सक और आशा वर्करों के साथ हुए विवाद के मामले में हुई संयुक्त मीटिंग। महिला चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो होगी हड़ताल। महासंघ के पदाधिकारियों का 15 को होगा रेस्ट हाउस में चुनाव। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रखर गुप्ता है। मैं एक बेरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन हूँ। हमने यहाँ ट्यूलिप हॉस्पिटल में एक वेट लॉस सेंटर स्टार्ट किया है, जिसमें मोटापा और मोटापे के कारण होने वाली सारी बीमारियाँ, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, इन सारी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। हमारे यहाँ पे वेट लॉस करने के सारे तरीके, जैसे कि डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, दवाइयाँ एंड इवन सर्जरी, इस तरीके की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मोटापा एक बीमारी है और मोटापे के कारण होने वाली सारी परेशानियाँ, जैसे कि शुगर, प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, इन सारी परेशानियों को हम वेट लॉस करके एक हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। मैं यहाँ ट्यूलिप हॉस्पिटल में मंगलवार और बृहस्पतिवार को ओपीडी करता हूँ। अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो आप यहाँ ट्यूलिप हॉस्पिटल में आकर के हमसे मिलिए और हम आपकी परेशानियों का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए